खरगोन नगर की यातायात व्यवस्था सुगम बनाने को लेकर यातायात विभाग ने कमर कस तैयारी की है और शनिवार को सड़क के आसपास खड़े वाहनों को चालान बनाया, जिसमें अफरा तफरी मच गई। दरअसल बस स्टैंड के समीप TIIT कॉम्प्लेक्स के समीप यातायात पुलिस ने कार्यवाही को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पूर्व में पार्किंग की सुचारू व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन समय बीतते ही लोगों ने फिर से सड़क पर अस्त व्यस्त वाहन लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में यातायात विभाग ने एक बार फिर कमान संभाली और कार्यवाही के माध्यम से चिन्हित स्थानों पर वाहनों को पार्किंग करने को प्रेरित किया है। इस दौरान यातायात प्रभारी दीपेंद्र स्वर्णकार ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में उनकी यह कवायद निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने अपील की है कि चिन्हित स्थान पर वाहन पार्किंग करके जनता उन्हें सहयोग प्रदान करे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ADJ साहब के मार्गदर्शन में, उनके निर्देश में उन्होंने कई निर्देश जारी किए हैं कि यहाँ सामने जो अव्यवस्थित तौर पर पार्किंग हो रही है, या जो लोग सामने बंगलों के सामने अवैध तरीके से स्टॉल या ठेला लगा के जो बिक्री कर रहे थे, उनके बारे में उन्होंने बताया कि इनको हटवाया जाए और पार्किंग व्यवस्थित करवाई जाए यहाँ पे। जी हाँ, TIIT के सामने भी उन्होंने बताया है, जो कुछ ऑटो पार्ट्स की दुकान है लेकिन वो वहाँ पे रिपेयर का काम कर रहे हैं, तो उनको भी निर्देशित किया है कि गाड़ियाँ सभी हटाएं, और अगर पार्ट्स की दुकान है तो सिर्फ पार्ट्स बेचने पे ही ध्यान दें, वो गाड़ी सुधारने का काम नहीं होगा वहाँ पे। ये पार्किंग के लिए चर्चा हो गई है साहब से, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग करवा कर ये TIIT कॉम्प्लेक्स के सामने पार्किंग करवाई जाएगी। जैसे पहले व्यवस्था थी उसी तरीके से व्यवस्था फिर से बनाई जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, अभी चालानी कार्रवाई की है। कुछ ऑटोज जो गलत खड़े हुए थे, जो पार्किंग में ना खड़े होकर साइड में फुटपाथ पे खड़े थे, उनके ऊपर कार्रवाई भी की है। और जब ये व्यवस्था, जो पार्किंग की व्यवस्था हम बना रहे हैं, इसके बाद जो भी बैरिकेडिंग के बाहर जो गाड़ी खड़ी होगी, जैसे पहले हम चालानी कार्रवाई करते थे उसी प्रकार निर्धारित पार्किंग जगह पर ना खड़ी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।